ऐतिहासिक लॉर्ड्स की बालकनी में प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ में लेकर मुस्कुराता चेहरा। जब भी सुवाक्य को कल्पना में पिरोते हैं तो एक ही चेहरा सामने आता है, महान ऑलराउंडर कपिल देव का। संभवतः भारत का पहला जेन्युइन फास्ट बॉलर, महान ऑलराउंडर और आत्मविश्वास लबरेज एक कप्तान। आज की कहानी उसी महानतम भारतीय ऑलराउंडर कपिल देव की है। जनवरी 1959 को तब के ईस्ट पंजाब में जन्मे कपिल देव 7 भाई बहनों में छठे नंबर पर थे। कपिल को क्रिकेट से कहीं ज्यादा प्यार दृढ़ता वाले व्यक्तियों से था। उनके प्रेरक रहे थे नेल्सन मंडेला। कपिल देव बचपन से ही बल्लेबाज बनने का ख्वाब देखते थे, जो जायज भी था क्योंकि हिंदुस्तान में या तो स्पिनर्स चलते थे या बल्लेबाज। उनकी प्रतिभा को सही वक्त से पहचान कर उनके पिता रामलाल निखंज उनको चंडीगढ़ के फेमस कोच देश प्रेम आजाद के पास ले गए। तब कपिल महज 14 साल के थे। उनकी बॉलिंग की क्षमता वाकई हैरान कर देने वाली थी। इसी वजह से अगले साल उनको तब के बॉम्बे के कोचिंग कैंप में बुलाया गया, जहां कपिल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी के किस्से दूर दूर तक सुनाई दिए। हरियाणा उनका यह टैलेंट यूज करना चाहती थी, सो कपिल को बॉम्बे से वापस हरियाणा बुलाया गया, जहां नवंबर 1975 में उन्होंने पड़ोसी राज्य पंजाब के खिलाफ रणजी डेब्यू किया, जहां उनके 6 विकेट ने हरियाणा को 63 रन से विजयी बनाया और पूरा सीजन उन्होंने 30 मैचों में शानदार 121 विकेट्स के साथ कंप्लीट किया। कपिल पर चयनकर्ताओं की नजर भी पड़ रही थी, इसलिए नहीं कि वो अच्छे बल्लेबाज या गेंदबाज है, बल्कि इसलिए उनकी गेंदें तेजी के साथ बाउंस होती थी। अगले रणजी सीजन के पहले ही मैच में जम्मू कश्मीर के खिलाफ उन्होंने 36/8 का प्रदर्शन कर सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। तब लोग स्टेडियम भी भरने लगे थे या देखने कि जिस तेज गेंदबाज को रेडियो पर सुना करते हैं वो असल में दिखता कैसे, आखिर स्विंग होती कैसी है, बाउंसर क्या होती है। प्री क्वार्टर फाइनल में बंगाल के खिलाफ दूसरी पारी में महज 9 ओवर्स के भीतर ही उन्होंने 20 रन देकर 8 विकेट लिए। दर्शक आज भी इस मैच को कभी नहीं भूलते। लहराती हुई बेहद तेज गति की गेंदें, इन स्विंग और लेट आउट स्विंग गेंदें देख दर्शक रोमांचित हो उठे थे। आने वाले लगभग सभी रणजी सीजन में उन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का बेहतरीन नमूना पेश किया। उनका दलीप ट्रॉफी में 65 रन 7 विकेट का शानदार प्रदर्शन उनको न केवल नॉर्थ जोन की टीम में लाया बल्कि विल्स ट्रॉफी में भी उनको जगह मिल गई। 16 अक्टूबर 1978 को महज 19 साल की उम्र में उन्होंने फैसलाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला। उन्होंने आते ही बाउंसर से हेलमेट्स पर मारना शुरू किया और सादिक मोहम्मद के रूप में पहला विकेट हासिल किया। इस सीरीज के तीसरे टेस्ट में उन्होंने महज 33 गेंदों में 52 रन ठोककर अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। वेस्टइंडीज के भारत दौरे पर उन्होंने पहले टेस्ट शतक जमाया और महज 124 गेंदों पर 126 रन बना डाले। देव ने इंग्लैंड की जमीन पर अपना पहला 5 विकेट हॉल बनाया और पूरी सीरीज 16 विकेटों के साथ खत्म की। ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे पर कपिल ने 2 बार 5 विकेट हॉल सहित पूरी सीरीज में 28 विकेट चटकाकर कुछ हद तक 1979 वर्ल्ड कप की कड़वी यादों को भुलाने का काम किया। इसी साल पाकिस्तान के खिलाफ वानखेड़े में शानदार 69 रन बनाकर मैच जितवाया और चेपक में बल्ले से 98 और गेंद से 11 विकेट लेकर जीत का परचम लहराया। एक प्रेरणादायक किस्सा आपको सुनाते हैं। साल 1980 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत 1-0 से पिछड़ रहा था और दूसरे मैच में 143 रन डिफेंड करने थे कि तभी कपिल ग्रोइंग इंजरी के कारण बाहर हो गए। लेकिन जज्बा जब हिमालय फतह करने का हो तो आंधियां भी ठंडी बयार लगती है। भारत का यह शेर पेन किलर खाकर मैदान में वापस आता है और 28 रनों की कीमत पर 5 विकेट चटकाकर भारत को विजयी बना देता है। हालांकि उसके बाद भी कपिल लगातार अच्छा खेलते रहे। 1981-82 में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में 318 रन और 22 विकेट्स, लॉर्ड्स में 130 रनों की पारी वर्ल्ड कप से पहले उनके लिए अच्छा संकेत थी। 1982 के पाकिस्तान दौरे के बाद उनको कप्तान बना दिया गया। यह हैरानी भरा फैसला था क्योंकि उन्होंने सुनील गावस्कर को अपदस्थ किया था। साल 1983 के वर्ल्ड कप की कथा कहानी हम दियर एरा वर्सेस जेरा में आपको सुना चुके हैं। आप उस वीडियो में उस दौर को जीवंत होते हुए देख सकते हैं। खैर, 83 के वर्ल्ड कप में 60 की गजब की औसत से 330 रन और 20 की बेमिसाल औसत से 12 विकेट के साथ 7 कैचेस ने उनको महानतम कप्तान और अव्वल दर्जे का हरफनमौला खिलाड़ी का दर्जा करार दिया। वर्ल्ड कप के बाद भारत का दौरा करने आई वेस्टइंडीज ने टेस्ट में 3-0 और वनडे में 5-0 से भारत को धो डाला। इसी टेस्ट सीरीज के मोटेरा वाले मैच में कपिल ने 83 रन देकर 9 विकेट चटकाए, लेकिन भारत मैच हार गया, जिसकी वजह से पुनः 1984 में सनी गावस्कर को कप्तान नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने इंग्लैंड को सीरीज में हराया। कपिल 1987 वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान थे। पहले मैच में कपिल की स्पोर्ट्समैनशिप का उच्च पैमाना तब देखने को मिला जब कपिल ने ऑस्ट्रेलिया के 268 के कुल स्कोर को यह कहकर बढ़वाया कि एक शॉट पर ऑस्ट्रेलिया को 6 मिलने चाहिए। जवाब में भारत 1 रन से मैच हार गया। भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गया। कपिल पर मिड विकेट पर लॉलीपॉप कैच देने जैसे आरोप लगे। उनके पीछे पीछे पूरी टीम ढह गई। उसके बाद कपिल ने कभी कप्तानी नहीं की।
कपिल का कप्तानी करियर रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा। उनके और गावस्कर के बीच मनमुटाव की भी खबरें आने लगी कप्तानी को लेकर। हालांकि बाद में दोनों ने माना कि ख्यालों में इख्तलाफ जरूर थे लेकिन मनमुटाव नहीं, यानी मतभेद थे, मनभेद नहीं। बात की जाए उनकी गेंदबाजी की तो कपिल लेट आर्म से बैटिंग करते थे, इससे उनको आउटस्विंग करने का फायदा होता। इसके अलावा टेलेंडर्स को निपटाने के लिए उन्होंने टीस में इनस्विंग यॉर्कर्स का इजाद किया। कपिल ने 5 सालों में ही 250 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए थे। हालांकि 1984 में घुटने की सर्जरी के बाद से उनकी गेंदबाजी की धार कम पड़ती गई, उनका थोड़ा बहुत जंप भी कम हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने 434 टेस्ट विकेट्स का रिकॉर्ड बनाया, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड हुआ करता था। साल 1990 में लॉर्ड्स में फॉलो ऑन के लक्ष्य को पार करने के लिए उन्होंने लगातार 4 छक्के जड़ दिए। यह वही मैच था जहां ग्राहम गूच ने 333 रनों की मैराथन पारी खेली थी। महान अंपायर डिकी बर्ड ने कपिल को सबसे महान ऑलराउंडर्स में से एक माना है। 1985 के बाद कपिल ओडीआई में एक पिंच हिटर के तौर पर उपयोग में लाए जाने लगे। 1992 के वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट 125 का था, जो कि मिनिमम 100 बॉल्स खेलने वालों में सबसे ऊपर था। साल 1994 न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार 434 टेस्ट विकेट्स और 5000 से ज्यादा रन्स और ओडीआई में 253 विकेट्स और 3783 रनों के साथ संसार के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से कपिल देव ने संन्यास ले लिया। रिटायरमेंट के बाद 1999 में देव भारत के कोच बने। उनकी कोचिंग में भारत केवल एक टेस्ट जीता और 2 टेस्ट सीरीज हारा, जिनमें से तो एक अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज थी। मनोज प्रभाकर द्वारा फिक्सिंग के आरोप लगने के बाद उन्होंने कोचिंग पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2004 में उनको उस भारतीय टीम का बॉलिंग कंसल्टेंट बनाया गया जिसे पाकिस्तान का दौरा करना था। अक्टूबर 2006 में उनको नेशनल क्रिकेट अकादमी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। साल 2002 में विजडन ने उनको सदी का सबसे महान भारतीय खिलाड़ी चुना। साल 2008 में उनको भारतीय आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल की पदवी दे दी गई। इसके अलावा उनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण भी मिला है। और साल 2010 में कपिल देव ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। बात की जाए उनकी निजी जिंदगी की तो उन्होंने रोमी भाटिया से 1980 में शादी की और उनकी एक बेटी है जिनका नाम अमिया है। साल 1993 में कपिल ने गोल्फ करियर आरंभ किया और लॉरेंस फाउंडेशन के वो इकलौते एशियाई मेंबर हैं। साल 2020 में उनको हार्ट अटैक से भी गुजरना पड़ा, फिलहाल वो एकदम स्वस्थ हैं। उन्होंने 4 किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से तो 3 ऑटोबायोग्राफी हैं और 4थी सिख धर्म पर है। कपिल का विवादों से ज्यादा नाता नहीं रहा। टीम के अंदर होने वाली कुछ छिटपुट तो सामान्य सी बात है, लेकिन एक बड़ा आरोप उन पर साथी मनोज प्रभाकर ने लगाया था। हालांकि छानबीन के बाद वह आरोप साबित नहीं हो सका। 2007 में जी द्वारा शुरू हुए विवादित ICL के वो भी हिस्सेदार थे। कुल मिलाकर कपिल देव एक अंतर विश्वास का नाम है जिसने सभी ट्रेडिशन को तोड़ते हुए पहले फास्ट बॉलिंग शुरू की और फिर 1983 में भारत को सबसे खूबसूरत तोहफा दिया। नारा टीवी महान कपिल देव और उनके अभूतपूर्व योगदान को सैल्यूट करता है। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।